Hello everyone, in this video lecture of Digital Electronics or Digital System Design, I am going to implement BCD to Gray Code Converter. ठीक है, तो start करते हैं. Basically, in this circuit, हमारा input क्या होगा? BCD और output पर हमें क्या मिलना चाहिए? Gray Code. ठीक, तो start करते हैं. We all know कि BCD means binary coded decimal numbers हमारे 0 to 9 होते हैं. तो हम 0 to 9 को लेंगे. उससे पहले इनका Gray Code में 00 के लिए तो 000 ही होगा. इस case में first bit same. नेक्स्ट टू बिट्स का एक्सॉर 0, टू बिट का एक्सॉर 0, यहाँ दोनों बिट का एक्सॉर 1, क्योंकि 01 का एक्सॉर क्या होता है 1. फर्स्ट बिट सेम, टू बिट का एक्सॉर 0, टू बिट का एक्सॉर 1, यहाँ टू बिट का एक्सॉर 1, यहाँ फर्स्ट बिट सेम, टू बिट का एक्सॉर 0, यहाँ टू बिट का एक्सॉर 1, यहाँ टू बिट का एक्सॉर 0. इन दिस केस फर्स्ट बिट इज 0, तो सेम होगी 0 और 1 का एक्सॉर 1, 10 का एक्सॉर 1, 00 का एक्सॉर 0. नाउ फर्स्ट बिट इज सेम, 0 और 1 का एक्सॉर 1, 10 का एक्सॉर 1, 01 का एक्सॉर 1. ठीक है, नाउ फर्स्ट बिट इज सेम, 0 और 1 का एक्सॉर 1, 11 का एक्सॉर 0, 10 का एक्सॉर 1. नाउ फर्स्ट बिट इज सेम, 01 का एक्सॉर 1, 11 का एक्सॉर 0, 11 का एक्सॉर 0. नाउ फर्स्ट बिट विल बी सेम, 1 एंड 0 का एक्सॉर 1, 00 का एक्सॉर 0, 00 का एक्सॉर 0. नाउ फर्स्ट बिट इज सेम, 10 का एक्सॉर 1, 00 का एक्सॉर 0, 01 का एक्सॉर 1. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ग्रे कोड. अब हम इनकी इक्वेशन लिख लेते हैं. क्या हमने बताया था? चार बाइनरी बिट है, मींस पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, मींस 0 to 15. बट हमारे जो बीसीडी नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 to 9. तो जो बैलेंस बचे, मींस की रिमेनिंग बचे, वो हमारे क्या होंगे? डोंट केयर. तो हमारे डोंट केयर में क्या हो जाएंगे? 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये हमारे क्या होंगे? डोंट केयर. नाउ अब इक्वेशन लिखते हैं. सबसे पहले W के लिए समीशन M, मीन टर्म्स कहाँ मिले? लास्ट के टू में, मींस 8, 9, 8, 9. डोंट केयर क्या होंगे? सेम, मींस की 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. नाउ फॉर X समीशन M, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड डोंट केयर सेम होंगे. ठीक है, नाउ फॉर वाई मीन टर्म्स 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, प्लस डोंट केयर में सेम. नाउ फॉर जेड समीशन एम, 1, 2, 3, 4 पे नहीं है, 5, 6, 7, 8 पे नहीं है, 9, प्लस डोंट केयर. हमें 4 की मैप चाहिए क्योंकि हमें चारों की इक्वेशन चाहिए. फर्स्ट की मैप फॉर W, पहले हम डोंट केयर पुट कर देते हैं. 10, 11, 12, 13, 14, 15. नाउ मीन टर्म्स कहाँ है? 8 एंड 9, 8 एंड 9. तो फर्स्ट हमारा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ये पूरा ऑक्टेट बनेगा. जब ये ऑक्टेट बनेगा तो हमें W इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ से 1 कॉमन. 1 किसके लिए है? A के लिए. मीन्स W इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? A. ठीक है, डोंट केयर तो हमारे सेम ही है, तो हम पहले पुट कर देते हैं. ठीक है, मीन टर्म्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नाउ अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, पहला ए ऑक्टेट एंड दूसरा ए ऑक्टेट, टू ऑक्टेट बन रहे हैं. इस ऑक्टेट से क्या मिल रहा है हमें? एक्स इज इक्वल टू ए, प्लस इस ऑक्टेट से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे कॉमन है, मीन्स बी. ओके, नाउ के मैप फॉर वाई, डोंट केयर तो हमारे कॉमन ही है. ठीक है, मीन टर्म्स 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो इस केस में हमारे कैसे बन रहे हैं? हमारे 2 क्वाड बन रहे हैं. फर्स्ट क्वाड हमारा दिस वन एंड 1 क्वाड बैक टू बैक दिस वन. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू? तो वाई इज इक्वल टू, यहां से क्या जाएगा? इन दोनों रो से क्या कॉमन है? ये 1, ये किसके लिए है? बी के लिए. इन दोनों कॉलम से क्या कॉमन है? फर्स्ट 0, दैट इज सी बार. प्लस फॉर दिस फर्स्ट एंड लास्ट रो, व्हाट इज कॉमन? 0. 0 किसके लिए है? बी के लिए, मींस बी बार. और इन दोनों कॉलम से क्या कॉमन है? पहला 1, मींस की सी. वाई इज इक्वल टू बी सी बार प्लस बी बार सी. ठीक है, नाउ अब हम केमैक करते हैं फॉर जेड. डोंट केयर हमारे सेम होंगे. मीन टर्म्स 1, 2, 1, 2, 5, 6, 5, 6, 9, मीन्स दिस वन. ठीक, यहाँ पर भी हमारे 2 क्वाड बनेंगे. फर्स्ट क्वाड हमारा दिस वन एंड सेकेंड क्वाड हमारा दिस वन. ठीक है, तो इस क्वाड से हमें क्या वैल्यू मिलेगी? जेड इज इक्वल टू, रो तो सारी यूज हो गई, कॉलम से क्या मिल रहा है? 0, 1, मीन्स सी बार डी, प्लस यहाँ से हमें 1, 0, मीन्स सी डी. तो ये हमारी 4 इक्वेशंस हो गई. अब हम इस सर्किट को बनाएंगे यूजिंग PAL मीन्स प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक. ठीक है, इसके केस में हमारा एंड एरे क्या होगा? प्रोग्रामेबल होगा, और एरे हमारा क्या होगा? फिक्स होगा. तो पहले हम एंड एरे का कर लेते हैं.
अब इसमें क्या करना है, हमें काउंट करना होता है मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म्स कितने यूज हो रहे हैं, मीन टर्म्स कितने हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक। तो हमें क्या करना है, एवरी आउटपुट के साथ टू एंड गेट को लगाना है। तो डब्ल्यू के लिए टू, दिस इज डब्ल्यू, नाउ फॉर एक्स टू, नाउ फॉर वाई टू, फिक्स्ड होता है ना इसलिए, ठीक है, नाउ फॉर जेड टू, ठीक है। ठीक है, अब फर्स्ट में W के लिए क्या है, A means this one, A की प्रोडक्ट टर्म था तो ये हमारा यूज नहीं होगा, हमने क्रॉस मार्क किया। यहां पर क्या है, A प्लस बी, A यहां से आएगा और B यहां से आएगा। यहां क्या है, B C बार फर्स्ट के लिए, तो B C बार नेक्स्ट के लिए, B बार C means B बार C। यहां पर क्या है, C बार D means C बार D, यहाँ क्या है, C D बार means C D बार। तो दिस इज बी सी डी टू ग्रे कोड कन्वर्टर यूजिंग PAL। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।